नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज से हम लोग GS 4th पेपर का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक वाइज हम लोग GS 4th पेपर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों स्टार्टिंग में हम लोग यह जो पीडीएफ है यह व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड की जा चुकी है। और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी कई चीज़ें हैं कि जैसे 350 प्रश्न प्रतिमाह आप लोगों को आंसर राइटिंग के मिलते हैं, इस तरीके की पीडीएफ मिलती है, ठीक है। अब उसी के वीडियो आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अन्य जगह पर पीडीएफ नहीं प्रोवाइड की जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप की ज्वाइनिंग का प्रोसेस है तो उसको आप लोग पूरा करके ज्वाइन हो सकते हैं। और अधिक डिटेल के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे नीति शास्त्र यानी एथिक्स। इसके दो वीडियो बनेंगे, इसमें प्रश्न भी हैं तो उन प्रश्नों को आप लोगों को पहले अच्छे से वीडियो को समझना है जो भी टॉपिक है, उसके बाद उन प्रश्नों को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या तो इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें होंगी उनको ये बारे में बता दूंगा, ठीक है। और ज़बरदस्त मेहनत करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ चुका है और जल्द ही देखिए उसका रिज़ल्ट भी आएगा, तो इस इन चीज़ों के लिए आप लोगों को अब आंसर राइटिंग बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए। टॉपिक वाइज जिस तरीके से भी आप लोग कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है। तो यह नीति शास्त्र है, एथिक्स का टॉपिक है। आप सबसे पहले जानते हैं कि नीति शास्त्र यानी एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एथिक्स नीति शास्त्र का क्या मतलब होता है कि नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली होती है। नैतिक का मतलब ये होता है कि भाई सीधी सी बात है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जो एक समाज होता है अगर चीज़ें गलत होती हैं तो लोग कहते हैं वो समाज बहुत बुरा है, या वो परिवार बहुत बुरा है, या वो इंसान बहुत बुरा है, या अगर अच्छी होती है तो कहते हैं वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, या वह समाज बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये है क्या चीज़ नीति शास्त्र। देखिए अगर नीति शास्त्र, ये GS 4th पेपर जो है, ध्यान रखिएगा GS का जो 4th पेपर है इसको अगर आप व्यवहारिक रूप में देखिए आपको चीज़ें बिल्कुल दिखाई देंगी कि हाँ ये चीज़ें किस तरीके से घटित होती हैं। मैं कोई ऐसा क्लिष्ट एग्जाम्पल नहीं दूंगा जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो, और बिल्कुल व्यवहारिक जो भी उदाहरण होंगे एग्जाम्पल्स होंगे उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अब बात यह आती है कि नीति शास्त्र, नीति शास्त्र है, देखिए जो वर्ड निकला है यह ग्रीक शब्द एथिकोस से निकला है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली है जिसमें नियम कानून हैं, उसमें चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें मनुष्यों को करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ठीक है। और ये जो हम लोग जीवन जीते हैं, ये मानव आचरण जो होता है, तो ये मानव आचरण के मार्गदर्शक भी होते हैं नीति शास्त्र। ये वही जैसे हो गया कि जैसे ए नाम का व्यक्ति है, अब इसको देखिए दिशाएं उसके पास बहुत सारी हैं लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सी दिशा पे हमें जाना चाहिए जिससे हमारा समग्र विकास हो सके। और वो दिशा क्या है, जैसे मान लीजिए आप ही स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ने का तरीका ना पता हो कि किस तरीके से चीज़ों को आप पढ़ते हैं या जाना कहाँ है आपको। जैसे मान लिया आपने आपको IAS बनना है, ठीक है, IAS बनना है, और ये आप स्टूडेंट हैं, जैसे आप ए नाम के स्टूडेंट हैं और आपको जाना है यहाँ पर IAS या PCS, ठीक है। अब ये जो बीच की दूरी है तय कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको करना है, कौन कौन सी चीज़ों को नहीं करना है, ये वही है नैतिक नियम। एक जीवन के लिए, एक अच्छे समाज के लिए और एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं,
ठीक है। मानव आचरण के ये मार्गदर्शक भी कहे जाते हैं, कि मार्ग सुझाते हैं कि आपको कौन सा अच्छा मार्ग है, कौन सा बुरा मार्ग है, ठीक है। और एक मानवीय समाज, मानवीय समाज का मतलब यह है कि आपके अंदर एक मानवता नाम की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। मानवीय आचरण होने चाहिए, एक मानवीय समाज के निर्माण में यह सहायता करते हैं। क्या चीज़ है? नीति शास्त्र या इथिक्स, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें हमारी परंपरा, आदत, चरित्र, स्वभाव भी हो सकता है, कि जैसे हम बचपन से जो चीज़ें करते चले आ रहे हैं कि हमें चिल्लाना अच्छा लगता है, तो वो क्या है? आदत है। कई सालों से, जब जब से हम पैदा हुए, उसके बाद हम हल्के से बड़े हुए, तब से हमें चिल्लाने की आदत पड़ी हुई है। तो हमें किसी ने नहीं बताया कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, ठीक है। आदत वो पड़ गई है। चरित्र कैसा है और स्वभाव आपका कैसा है, ये चीज़ें भी आपकी नीति शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। अब सोच के देखिएगी, अगर परंपरा आपने गलत सीखी है या आप अंधविश्वासों पर चलते हैं, तो क्या वह नीति शास्त्र के अंतर्गत आएगा? तो वो नकारात्मक नीति शास्त्र होगा, ठीक है। अगर आपने आदत गंदी सीख रखी है, तो क्या है? वो गलत है, ठीक है। चरित्र आपका दूसरों के ऊपर उल्टा सीधा बोलने वाला है, गलत कार्य करने वाला है, तो क्या आप अच्छे व्यक्ति कहे जाएंगे? नहीं कहे जाएंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो नकारात्मक नीति शास्त्र है या इथिक्स है, वो आपके अंदर पाया जा सकता है। स्वभाव, स्वभाव के मामले में भी जान लेते हैं कि जैसे स्वभाव है, हम किसी से व्यवहार कुछ करते हैं तो वो क्या है? हमारा स्वभाव ही है किसी को गाली देना या मारना, ठीक है, किसी को भला बुरा कहना। तो ये क्या है? ये प्रॉब्लम है। तो ये नकारात्मक नीति शास्त्र होता है। अब हमने सबसे पहले तो नीति शास्त्र के बारे में जाना कि इथिक्स या नीति शास्त्र है क्या चीज़। अब आगे देखते हैं कि मानवीय सहसंबंध और नीति शास्त्र, जो हमारे ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, और नीति शास्त्र ये किस तरीके से संबंधित हैं, ठीक है। तो देखिए, ये मूल या वास्तविक भाग होते हैं, ये मुख्य चीज़ें होती हैं जो एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में, या एक अच्छे मनुष्य के निर्माण में, एक अच्छे समाज के निर्माण में, एक अच्छे परिवार के निर्माण में, ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। जवाबदेही, सबसे पहला जो नीतिशास्त्र का मूल्य है वो कौन सा है? वो है आपकी जवाबदेही। जवाबदेही किस तरीके से? आप खुद सोच के देखिए, आप अगर शासन प्रशासन में जाएंगे, तो वहाँ पे जवाबदेही किस चीज़ की? आपके अधिकारों की। जो आपने कार्य किए हैं, क्या वो चीज़ें सही हैं, नैतिक रूप से सही हैं, नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग वो चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जवाबदेही का अर्थ ये हो गया। कि अब छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, कि जैसे जब आप छोटे थे, आपको घर से मान लिया 20 रुपए मिलते थे, ठीक है। तो 20 रुपए का आपको पूरा हिसाब देना पड़ता था घर में, कि हाँ मैंने 20 रुपए कहाँ खर्च किए। तो ये क्या है? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। मम्मी पापा पूछते थे, बेटा आपने कहाँ खर्च किए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वहाँ बताना पड़ता था, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के, जैसे आपको कोई कार्य या दायित्व, तो आप एक अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, आपको कुछ एक अमाउंट पैसा दिया गया है, कुछ ढेर सारा पैसा खर्च करने के लिए, और वो भी जनता के लिए। तो आपका सबसे अच्छा बात क्या होनी चाहिए? कि आपको उस पैसे का हिसाब देना है, ठीक है, जनता को, नैतिक रूप से। यही नीति शास्त्र के अंतर्गत जवाबदेही होती है, वो भी सिविल सेवा में, ठीक है। और आपको सिविल सेवा को ध्यान में रख के ही सारी चीज़ें पढ़नी है। एग्जाम्पल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि जवाबदेही होती क्या है। अब देखिए, संवेदना या करुणा, जैसे आप एक ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है, और आप एक मनुष्य हैं, तो आपके अंदर एक संवेदना या करुणा होनी चाहिए। जो पिछड़े या वंचित वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और जो आप कार्य करेंगे, उनमें अगर संवेदना या करुणा है, तो आप उनके प्रति हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए उत्सुक रहेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप के अंदर ये संवेदना और करुणा वाला मूल्य होगा। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी ये आपकी ऑनेस्टी है, ध्यान रखिएगा, ऑनेस्टी।
तो यह ईमानदारी क्या है कि आप कोई भी कार्य करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ जो आपसे बोला गया है। कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे घर में आपसे बोला जाता है कि आप जाइए और दुकान से आपको 50 रुपए मिलते हैं और आपको चीनी लेकर आनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपना कार्य पूरी ईमानदारी से किया, ठीक है। ईमानदारी और प्रोविटी में दोनों ही सिनोनिम्स हैं। प्रोविटी का मतलब है सत्यनिष्ठा, तो अलग अलग अर्थों में यूज़ होता है ईमानदारी और प्रोविटी, ठीक है वही चीज़, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, तो ईमानदारी या प्रोविटी की बात हो रही थी, प्रोविटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, ठीक है। सत्यनिष्ठ, आप किस तरीके से सत्यनिष्ठ हैं या नहीं हैं, जैसे जो आपको अधिकार दिए गए हैं आप उनमें किसी के दबाव या किसी कारणवश कोई जो आपको कार्य करना था वो आप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, सत्यनिष्ठा मतलब प्रोविटी, ठीक है। अब सत्यनिष्ठा ये डबल डबल लिख गया है, ठीक है, सत्यनिष्ठा और प्रोविटी, इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और क्या चीज़ है, सहानुभूति को देख लेते हैं, सहानुभूति क्या होती है। तो अब हम लोग सहानुभूति देखते हैं कि सहानुभूति क्या होती है। अब देखिए, ईमानदारी, प्रोविटी और सत्यनिष्ठा थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। प्रोविटी में क्या होता है, जो आपकी मॉरल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल, जो बहुत ही ज़्यादा सशक्त सिद्धांतों के ऊपर चलने वाले व्यक्ति को कहते हैं, ठीक है। ईमानदारी के बारे में मैंने बताया, और सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा का मतलब ये है कि सत्यनिष्ठा किसी भी कार्य को जो आपको दिए गए हैं किसी के दबाव या निष्पक्ष रूप से कार्य करना, ठीक है। अब सहानुभूति लास्ट में बचा, सहानुभूति, सहानुभूति को आप जान लेते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा कि वो बहुत बुरी स्थिति में है, ठीक है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया या बहुत उसकी दशा अच्छी नहीं है, वो बहुत गरीब है, तो आपने क्या किया, उस पर सहानुभूति जताई। तो ये सारे जो गुण हैं या मूल्य हैं ये आपके नीति शास्त्र के अंतर्गत माने जाते हैं और वास्तविक चीज़ है, ठीक है, मूल भाग हैं ये, ठीक है। अब अगला चीज़ देखते हैं, क्या चीज़ आती है, नीति शास्त्र के भाग, कि भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है अधिनीत्र, अधिनीति शास्त्र, ठीक है। पहला होता है मेटा एथिक्स। अब इसमें क्या बताया जाता है कि किस तरीके से परिभाषित किया जाए, जैसे कोई चीज़ नीति शास्त्र बताया जा रहा है या कोई भी चीज़ वस्तु है तो उसको परिभाषित किया जाए, या कोई मूल्य है उसको परिभाषित किया जाए, या व्यवहार है उसको परिभाषित कैसे किया जाए, ठीक है। अगला क्या है, निर्देशात्मक नीति शास्त्र, तो ये नॉर्मेटिव एथिक्स कहलाता है। इसमें ये देखा जाता है कि जो आपने परिभाषा दी है उसको हमने कार्य में लाया, ठीक है, या उसको हमने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद हमने देखा कि यह चीज़ गलत है या सही है। जो हमने कार्य करना स्टार्ट किया, जैसे हमने मान ला कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है, तो चलने के लिए क्या है, सबसे पहले चला कैसे जाए उस सिद्धांत को देखते हैं, वो आता है मेटा एथिक्स। और जब चलना स्टार्ट कर देता है तब उसको दो चीज़ें देखनी होती हैं, क्या हम गलत चल रहे हैं या सही चल रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये चलने का तरीका किस में आता है, आपका वो जो आपका नॉर्मेटिव एथिक्स है या निर्देशात्मक नीति शास्त्र है उसमें आपका ये चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अब अगला पॉइंट कौन सा है, तीसरे भाग, तीन ही भाग होते हैं, तीन ही भाग नीतिशास्त्र के तीन भाग होते हैं, ठीक है, और तीन ही भाग में सारी चीज़ें आती हैं। अब तीसरा भाग कौन सा है कि जो इथिक्स है इसको अप्लाइड इथिक्स बोलते हैं, ठीक है। अप्लाइड इथिक्स का मतलब ये हो गया है कि जैसे कुछ नियम, सिद्धांत, कानून, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना, लेकिन कुछ और डायमेंशंस इसकी आ जाती हैं, अप्लाइड वर्जन आ जाता है, कि जैसे मृत्युदंड किसी को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, इसमें बातें, सैरोगेसी का जो मामला है उस पर बातें, कि नैतिक दुविधा जो उत्पन्न होती है, नैतिकता की बात, किस तरीके से क्या चीज़ें अनुप्रयुक्त, जिनके अनुप्रयोग हैं उनको किया जाए, ठीक है। अब जैसे जीवन जीने की दुविधा कि हमें मरना चाहिए या जीना चाहिए, तो ये क्या है, यह आपकी अप्लाइड इथिक्स है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें और भी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं नीतिशास्त्र में
अभी हम लोग बाद में नीतिशास्त्र के भाग ये तीनों के तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब देखिए जो विश्वास और मान्यताएं क्या होती हैं, ठीक है, बिलीव्स क्या होती हैं, तो अब देखिए विश्वास क्या होता है, जैसे नीति कथाओं, मिथकों और लोकगीतों, परंपराओं, अंधविश्वासों से मिलकर बना होता है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा है कि राम ने रावण को मारा, तो यह क्या है, एक विश्वास है। हमने देखा कि एक पेड़ पर एक बंदर या आदमी चढ़कर कुछ उसने किया, तो ये हमारी बिलीव्स हैं, ठीक है। लोकगीतों में ऐसा कहा जाता है या दंत कथाओं में ऐसा कहा जाता है, तो ये हमारे अंदर क्या चीज़ें लाते हैं या हमारी जो मान्यताएं हैं इसी से बनती हैं, ठीक है। जो प्राचीन हमारी नीति कथाएं हैं, जो महाभारत है, रामायण है, जो हमारे वेद हैं, तो ये क्या चीज़ें हैं, इनसे हमें बिलीफ मिलता है, एक विश्वास मिलता है कि हमें ये चीज़ें सही हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना है, ठीक है। अब देखिए विश्वास या मान्यताएं दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो सही हो सकते हैं या तो कुछ गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। और विश्वास को चुनौती भी दे सकते हैं। चुनौती कैसे, कि जैसे आप सोच देखिए, अगर प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, यह एक मान्यता है, यह एक बिलीव है, ठीक है, यह एक विश्वास है कि हाँ हम लोग जानते हैं, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों का विश्वास है, सभी लोगों को विश्वास है कि हाँ राम ने रावण को मारा। उसी के आधार पर हम लोग पूजा पाठ सारी चीज़ें करते हैं, या कृष्ण जी ने वो जो सांप था उसको मारा, ठीक है, या उसकी सवारी की, तो यह क्या है, यह हमारी एक मान्यता है, यह एक विश्वास है, ठीक है। अब विश्वास को हम चुनौती भी दे सकते हैं, कि हम ये कह सकते हैं अगर हमारे सामने कोई एक लड़का खड़ा होकर बोल रहा है कि आपने ऐसा क्यों माना, ठीक है, आपके पास क्या आधार है, क्या पुष्टि है, आपने किसी ने देखा है, नहीं देखा है, तो हम क्या है विश्वास को चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या देखते हैं कि मूल्य क्या होते हैं, ठीक है, मूल्य या वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है, वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो मूल्य देखिए अच्छे बुरे के बीच में विभेद कराते हैं। अब जैसे इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे नैतिक मूल्य होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ वैल्यूज़ होती क्या हैं, यह एक क्या है, अगर एक इंसान है उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होंगे ही होंगे, ठीक है, वो बहुत सारे परिवेश से मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों से मिलते हैं, तो यह है क्या, यह एक स्थायी विचार है या विश्वास है। अब देखिए स्थायी विचार है, हो सकता है मेरा विश्वास गलत भी हो सकता है, हो सकता है मेरा विश्वास अच्छा हो। तो अब क्या है मूल्य क्या है, मूल्य ऐसे होते हैं कि अच्छे और बुरे के बीच का अंतर करते हैं, विभेद करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, ये जो मूल्य होते हैं ये बाहरी वातावरण से आते हैं, ठीक है, बाहरी वातावरण जहाँ पे भी हम रहते हैं, जो समाज है, परिवार है, और जो हमारा खुद का परिवार होता है, आदि के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। जो परिवार के लोग हैं हमें बचपन से सिखाते हैं कि बेटा आप लोगों को किसी के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, और आप लोगों को बड़ों का सम्मान करना है। तो ये क्या है, ये अच्छे मूल्य परिवार से मिलते हैं, कुछ अच्छे मूल्य मित्रों से भी मिलते हैं, कुछ अच्छे मूल्य हमें आसपास के परिवेश जहाँ भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ से भी मिलते हैं, लेकिन कुछ गलत मूल्य भी हमें मिल जाती हैं अपने दोस्तों से या बाहर के समाज से। हम देखते हैं जाके अपने ही घर में देखते हैं कि ये चीज़ें बुरी तरीके से हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे एक बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। अब नकारात्मक मूल्य कौन से होते हैं, कि जैसे किसी व्यक्ति का अपहरण करना, ये क्या है, या अपमान कर देना, किसी को गाली दे देना, या उल्टा सीधा बोल देना, तो ये क्या है, नकारात्मक मूल्य है। और मूल्य क्या होते हैं, मूल्य जो होते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है। तो अब मूल्यों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, अब आगे देखते हैं मानदंड क्या होते हैं। देखिए मूल्य अलग चीज़ है, मानदंड अलग चीज़ है, ठीक है, कैसे, जिसको नॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। मानदंड क्या होते हैं, मानदंड का मतलब ये हो गया कि बाहरी रूप से हमने चीज़ें आरोपित कर दी, ठीक है। और विश्वास क्या होता है, विश्वास आपका आंतरिक रूप से हम जो बिलीव्स अंदर से हम लोग रहता है हमारे मस्तिष्क में स्थायी भाव रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बिलीव्स बोलते हैं, विश्वास, ठीक है।
अब मानदंड क्या है? स्वीकार करने का तरीका है। मानदंड का मतलब हो गया कि अगर जैसे किसी कमरे में एंट्री लेनी है तो ये इसके मानदंड हैं, सॉरी, तो इसके मानदंड हैं। जैसे मान लिया ये आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है, अब आईएएस में सेलेक्ट होने के लिए कुछ मानदंड होने चाहिए, ठीक है, उनके कुछ मानदंड हैं, उनको डिसाइड किया गया है। तो किसी भी चीज़ में या जिस कमरे में आप जा रहे हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानदंड कहलाते हैं। आपको वहाँ पर अगर मानदंड नहीं पूरे करते तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्या ये चीज़ें घटित होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। अब है क्या कि ये स्वीकार्य व्यवहार का तरीका है कि जैसे आपसे बोला गया इस कमरे में एंट्री लेनी है, लेकिन जो पैरों में है, पैरों में चप्पल नहीं पहन के आनी है, जूते नहीं पहन के आने, बेल्ट को उतार के आना है, ठीक है, आपको टोपी नहीं लगानी, तो ये क्या है? इस कमरे में जाने के मानदंड हैं, और वो किसी के भी हो सकते हैं, अलग अलग किसी के भी समुदाय के, समूह के, अगर एक कोई ग्रुप है तो ग्रुप के भी खुद के मानदंड होंगे, नॉर्म्स होंगे, दिशा निर्देश जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के दिशा निर्देश हो सकते हैं कि इस जगह पर आपको रहने के लिए या यहाँ पर बैठने के लिए आपको इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर या ऐसे ऐसे क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकती है कि ये सार्वजनिक, जिसे सार्वजनिक तौर तरीकों या आचार विचार से व्यक्त करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। सार्वजनिक तौर पे आप किस तरीके से काम करते हैं, आप हमेशा अपने आप को अच्छे से दिखाते हैं कि हाँ हम अच्छे हैं, या कुछ लोग होते हैं गलत तरीके से दर्शाते हैं। नॉर्म्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, समझिए मेरी बात। कि जैसे अगर आपको आरएसएस ज्वाइन करनी है, ठीक है, आरएसएस ज्वाइन करनी है, या कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, या मान लीजिए कांग्रेस ज्वाइन करनी है, या बीजेपी ज्वाइन करनी है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, तो इन संगठनों को ज्वाइन करने के लिए उनके कुछ मूल्य या कुछ मानदंड होंगे कि हमें ये चीज़ें इस व्यक्ति से चाहिए, ठीक है। तो अब है क्या नकारात्मक मानदंड, कैसे हो, मान लिया कि जैसे कोई आतंकवादी संगठन को मान लीजिए, ठीक है, तो लश्कर ए तैयबा को ले लीजिए, ठीक है, तो लश्कर ए तैयबा में अगर आपको जाना है तो उसके लिए क्या है, उसके अलग मानदंड होंगे कि आपको ये चलानी आनी चाहिए, आपको ये बंदूक चलानी आनी चाहिए, राइफल चलानी आनी चाहिए, या आपको कट्टे बम चलाना आना चाहिए, तो ये है क्या, ये उनके मानदंड हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल इस तरीके से दे रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, और एग्जांपल आपको बिल्कुल समाज में यूँ दिखने चाहिए, सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी आंखों के सामने दिखनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमने देखी है, घटित होती देखी है, ठीक है। अब जैसे कैसे कि जैसे मान लिया कोई भी एक धर्म समुदाय है, एक धर्म समुदाय अगर अपना एक समूह या ग्रुप बनाए हैं तो उस ग्रुप में शामिल होने के लिए कुछ ना कुछ मानदंड होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें मानदंड कहलाती हैं। अब जैसे एक मानदंड ये भी है कि पुत्र को पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, तो ये भी एक मानदंड है कि भाई हम लोग अंडरस्टूड होते हैं कि हमारा बेटा है तो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे आप आतंकवादी संगठन को अगर ज्वाइन करते हैं तो आप क्या करते हैं, दंड को आकर्षित करते हैं, आप दंड के पात्र होते हैं, ठीक है, मानदंड पर नहीं चलेंगे तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा, डांट फटकार मिलेगी, उपहास होगा, बहिष्कार होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ में, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, तो अगला सिद्धांत है सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट है सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत देखिए एक प्रकृति में सार्वभौमिक नियम कानून होते हैं कि जैसे जो चीज़ें सार्वभौमिक होती हैं, सभी के ऊपर समान रूप से लागू होती हैं, उसे सार्वभौमिक रूल या यूनिवर्सल रूल्स बोलते हैं, ठीक है। जो नियम, ऐसे नियम जो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, सिद्धांत कहलाते हैं। कि जैसे क्या है, मूल्य है, विश्वास है, नैतिकता है, और जो
व्यक्ति के अनुसार, व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार ये चीज़ें बदलती रहती है, वो चाहे आपका मूल्य हो, विश्वास हो और नैतिकता हो। ठीक है, अब सिद्धांत में जैसे क्या चीज़ें हम देखते हैं कि सत्यता क्या है। सत्यता एक सिद्धांत है, इसके कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ नियम कानून हैं कि आप ये चीज़ करेंगे तो आप सत्यवादी माने जाएंगे। समानता का मतलब क्या है कि समानता का मतलब ये है कि आप सभी को समान रूप से देखते हैं। ठीक है, सभी को समान रूप से देखते हैं तो आप क्या हो गए, आप समानतावादी कहलाएंगे। न्याय क्या है, न्याय एक आपका सिद्धांत है। ठीक है, क्या है, सिद्धांत। तो अब सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने जाना कि यह सिद्धांत जो होते हैं प्रकृति में सार्वभौमिक नियम कानून होते हैं जो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो अलग चीज़ है, उसको मत बोलिए। अब जैसे सार्वभौमिक रूल में अगर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं तो जैसे हम ग्रेविटी के कारण अगर हम कुछ भी चीज़ ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे आती है, तो ये क्या है, सार्वभौमिक रूल है। ठीक है, सार्वभौमिक नियम कानून है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कौन सा है, नैतिकता क्या होती है या मॉरल्स क्या होते हैं। नैतिकता आखिर देखते हैं कि नैतिकता है क्या। नैतिकता का सीधा सा अर्थ यह है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। आचरण, जो सही आचरण क्या है, आपको गलत की तरफ नहीं जाना है और अच्छे की तरफ जाना है। यह मानव चरित्र जो होता है उसकी अच्छाई या बुराई में करते हैं। नैतिकता किस तरीके से, नैतिक हम किसको कहेंगे, अगर आपका आचरण अच्छा है, चरित्र अच्छा है, आप अच्छे कार्य करते हैं तो क्या है, आप नैतिकतावादी व्यक्ति हैं। अच्छा कार्य करने वाले को हम लोग कहते भी हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, आप बहुत ईमानदारी के साथ में कार्य करते हैं और आप नैतिक व्यक्ति हैं। और बुरा कार्य करने वाले को हम लोग क्या बुलाते हैं, तो उनको कहते हैं अनैतिक है। ठीक है, अब नैतिकता क्या है, समय के साथ साथ परिवर्तित भी होती रहती है। परिवर्तित कैसे होती रहती है कि जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि बचपन में कुछ आदमी की नैतिकता, उसको जैसे 10 साल का कोई लड़का है या लड़की है तो वो क्या है, उसके अंदर कुछ नैतिकता के गुण होंगे, लेकिन वो गलत लोगों की संगति में आकर नैतिकता के गुण ना अपना कर अनैतिकता के गुणों में शामिल हो गया। अब देखिए, कार ही डिसाइड करते हैं कि वो नैतिक है या अनैतिक है। आपने क्या किया, आपने जो आपसे बोला गया था कि आप क्या करिए, आपको 1 किलो चीनी लानी है, जाइए दुकान से ले आइए, आपकी मम्मी जी ने कहा, तो अब आपका क्या करता कर्तव्य था, नैतिक एक कर्तव्य था कि आपको जाना था, आपको लाना था। अब आपने क्या किया, एक दूसरे दोस्त के साथ में गए और आपने उसी पैसे का आपने कुछ और चीज़ खा ली जाके, तो ये क्या है, नैतिक रूप से सही नहीं, ये अनैतिक है। ठीक है, और अनैतिक के एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको कि जैसे एक नैतिकता है, कही जाती है कि सड़क पर हमने किसी व्यक्ति को देखा, उसका एक्सीडेंट हो गया है, और नैतिकता यही कही कही जाती है या मानवता के आधार पर हमें उठाकर उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते, तो ये क्या है, अनैतिक कार्य है। ठीक है, गलत कार्य जितने भी होंगे वो आपके अनैतिक कार्य कहलाते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे धर्म जो है वो नैतिकता का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। ठीक है, धर्म में बहुत सारी चीज़ें, बातें कही गई हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए और मनुष्यों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें शाकाहारी बनना चाहिए, बहुत सारी किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और क्या है, नैतिकता क्या हो सकती है, नैतिकता एक खुद के व्यक्ति की जो व्यक्तिगत पसंद जो होती है उसको हम नैतिकता कहते हैं। हो सकता है हमारी पसंद गलत हो, हम गलत कार्य करने को बहुत पसंद करते हों, पसंद हमारी गलत भी तो हो सकती है ना, तो गलत पसंद भी क्या हो सकती है, नैतिकता, लेकिन वो नैतिकता नहीं कही जाएगी, अनैतिकता कही जाएगी। ठीक है, अब जैसे आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो एग्ज़ाम्स में आपके पास एक
बुक मिल जाती है लिखने के लिए, नकल करने के लिए। टीचर दे देता है आके कि आप इसको इससे नकल करिए। तो है क्या नकल करना या ना करना, करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? अनैतिक कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपका अनैतिक कहलाएगा कौन सा? नकल करने वाला। और जो नकल नहीं करेगा वो पूर्ण रूप से नैतिक कहलाएगा। बस इतना समझिए। एग्जाम्पल्स को आप ध्यान रखिए, एग्जाम्पल्स किस तरीके से क्या हैं, और बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल के साथ में आप लोग देखेंगे और चीज़ों को आप लोग आसपास देखते भी रहेंगे कि हाँ क्या चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा चीज़ें हैं। अब ये देखिए, यह नीति शास्त्र के बारे में भी, यहाँ भी इथिक्स के बारे में बताया गया है कि नैतिक सिद्धांतों के बारे में, जैसे हम लोगों ने सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सत्यता, सम्मान, निष्पक्षता, ये आदि नीति शास्त्र के भाग होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आते हैं और इसके बारे में उन नैतिक सिद्धांतों में दुविधाओं की जांच करता है। नैतिकता, नैतिकता का कार्य किस तरीके से होता है कि जो आपका सिद्धांत या दुविधा होती है कोई भी, तो उसकी जांच करता है सिद्धांत गलत है या सही है। जो आपकी एक डायलेमा की स्थिति बनती है तो उस स्टेट को वो चेक करता है कि हाँ ये चीज़ गलत है या सही है, विश्लेषण करता है, नैतिक रूप से विश्लेषण करता है कि क्या ये चीज़ बिल्कुल सही जा रही है। एक लड़का जिसने, मम्मी ने कुछ काम दिया था, तो वो क्या उसने सही कार्य किया या गलत किया, और उसके अनुप्रयोग, इन सब चीज़ों का वर्णन नीति शास्त्र में किया जाता है। आचरण नियमावली भी इसी में होती है। नीति शास्त्र में, नीति शास्त्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तर्क वितर्क, आलोचना विश्लेषण, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और लोगों को किस तरीके से कार्य करने चाहिए, गलत सही गलत का बोध कराना, ये सब नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी बात कर ही ली है। न्यायोचित व्यवहार की नियमावली कहते हैं, उचित आचरण के मार्गदर्शक होते हैं। नीति शास्त्र जो है वह बाहरी और बाहरी वातावरण से आता है। और विचलन को क्या कहते हैं, हम लोग बात ही कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, कि अनैतिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्या टॉपिक है। अगला पॉइंट्स क्या है कि नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या संबंध है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या संबंध है। देखिए, नीति शास्त्र और नैतिकता दोनों समान अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब नैतिकता क्या है? नैतिकता जो है वो व्यक्तिगत पालन है। ठीक है, और सिद्धांत क्या है इसका, जो जिसे कह सकते हैं कि नीति शास्त्र के अंदर, ये मान लीजिए ये आपका नीति शास्त्र है और इसके अंदर यह नैतिकता आती है। ठीक है, इस तरीके से अर्थ लगभग समान ही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो नैतिकता है वो व्यक्तिपरक है और सिद्धांत जो है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है, या नीति शास्त्र कहते हैं। नीति शास्त्र जहाँ है कि क्या चीज़ है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, कि इसमें जैसे जो सिद्धांत दिया गया है, सिद्धांत के बारे में जांचता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं तो उन चीज़ों को बनाता है। जैसे मान लीजिए घर में आपके पिताजी ने कहा कि, पापा ने दो बात बोली कि आप बेटा आपको इस सड़क से जाना है और इस सड़क पे एक मंदिर होगा, यहाँ पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद आगे आपको स्कूल जाना है। ठीक है, तो अब क्या है, आपने पिताजी ने ये सिद्धांत, नीति शास्त्र के सिद्धांत बना दिए। और नैतिकता क्या है, नैतिकता का अर्थ ये हो गया कि जो आप कार्य करना स्टार्ट किए, आप घर से चले, घर से जाने के बाद आप मंदिर पहुँचे, मंदिर पहुँचने के बाद आपने वहाँ पूजा करी, पूजा करने के बाद आपने आगे स्कूल गए, तो जो ये प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नैतिकता कहते। तो बात यह है कि जो सिद्धांतों का अध्ययन करता है वो क्या है, आपका नीति शास्त्र है, और नैतिकता क्या है, उसका अभ्यास है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस है, उसका अनुप्रयोग है, हमने उस चीज़ को प्रयोग कैसे किया। ठीक है, नीति शास्त्र और नैतिकता जो होते हैं दोनों के दोनों आपके आचरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, दोनों का संबंध आचरण से ही होता है कि जो नीति शास्त्र के नियम हैं वो किससे हैं, आचरण से हैं। आचरण से संबंधित जितने रूल्स बनते हैं वो नीति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, और अभ्यास जो होता है उसी आचरण का अभ्यास
जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं उनका अभ्यास क्या कहलाता है, आपका आचरण कहलाता है, ठीक है, नैतिकता कहलाती है। और नीति शास्त्र एक व्यक्ति की किसी परिस्थिति के कार्य करने के तरीके से भी संबंध रखता है, ठीक है, कि वो नीति शास्त्र में किस तरीके से क्या कार्य करेगा। नैतिकता को नीति शास्त्र के एक व्यापक नियम से भी जान सकते हैं कि जैसे बात ये कही जाती है कि नीति शास्त्र आपका जो है वो बड़ी चीज़ है और नैतिकता इसी के अंतर्गत चीज़ आती है। तो अब क्या है, इस व्यापक नियम की अवधारणा को भी अवगत कराया गया कि जैसे चोरी करना गलत है, ठीक है, लेकिन अन्य गुणों की वजह से चोरी करता है क्या कि जैसे एक व्यक्ति है वो जानता है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन अब कुछ कारण परिस्थितियों की वजह से वो चीज़ें वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये है क्या, ये एक व्यापक नीतिशास्त्र को भी अवगत कराता है या बताता है, ठीक है। और प्रत्येक समाज जो होता है, प्रत्येक समाज एक आचार संहिता पर विश्वास करता है कि कोई भी समाज हो या हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, उन धर्म के समाजों में मतलब लोगों में एक विश्वास होता है, एक आचार संहिता होती है कि उसी के अकॉर्डिंग काम होते हैं, कि हमें कहा गया है कि दूसरों का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें अपने भगवान की पूजा करनी चाहिए या अल्लाह की पूजा करनी चाहिए, अल्लाह के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें बताई गई हैं हमें वो कार्य करने चाहिए, ठीक है। तो हर एक समाज में कुछ ना कुछ चीज़ें बताई गई हैं और रूल्स बताए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं विश्वासों पर हर एक धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो सभी लोग उसी पर चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो यह अभी हम लोगों ने देखा नीतिशास्त्र और नैतिकता में क्या संबंध होता है। चलिए अब अगली पार्ट देखते हैं कौन सा पॉइंट्स है। अभी इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे कि जैसे कुछ धार्मिक प्रतीकों की निंदा करना व्यक्तिगत है लेकिन समाज के अनुसार ये चीज़ सही नहीं है, कि जैसे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं ना कि जो आपका नैतिकता है उसको, उस व्यक्ति को लगेगा कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो हमारी इच्छा है, हमारे अकॉर्डिंग बहुत सही कार्य है। सीधी सी बात है, जिस समय हमने नकारात्मक नैतिकता की बात की थी तो उस समय यही तो बोला था ना कि जो कार्य अनैतिक हैं, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग तो लगेंगे हम सही कर रहे हैं लेकिन वो समाज के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, ठीक है। और नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र और नैतिकता दोनों के दोनों एक अच्छे निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा पार्ट है, अगला है नीति शास्त्र के निर्धारक। किन किन चीज़ों से नीति शास्त्र निर्धारित होता है, ठीक है, कि जैसे नीति शास्त्र के अंतर्गत जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नियम कानून निकल कर आते हैं तो वो कहाँ कहाँ से निर्धारित होते हैं, कौन कौन लोग उन्हें बनाते हैं, उन नियमों को बनाने में सहयोग करते हैं, ठीक है, तो उनको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि किसी देश में नैतिकता है या नहीं है, किसी देश में किसी भी देश में है या नहीं है। अब उसमें भारत भी है कि जैसे हमारे यहाँ समानता भी है, ठीक है, स्वतंत्रता भी है, तो ये क्या है, ठीक है, तो ये नीति शास्त्र के भाग हैं। और भी जो लोक कल्याण की परिभाषा दी गई है तो नीति निर्देशक तत्वों में, DPSP में दिया गया है, जो हमारा विधि का शासन है या कानून के अनुसार शासन है ये क्या है, नैतिकता की बातें हैं, नीति शास्त्र का भाग हैं, ठीक है। और नैतिक मानदंड भी होते हैं यहाँ के इस संविधान में, बहुत से नैतिक मानदंड भी होते हैं और कभी कभी क्या होता है कुछ केसेस में कि ये चीज़ें दूर भी चली जाती हैं, ठीक है, नैतिकता बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाई देती किसी भी देश में, वो कोई भी देश हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ ही दास प्रथा प्रतिबंधित की गई थी, तो इससे पहले कहीं ना कहीं दास प्रथा चल रही थी, अब जो कि ये अनैतिक था, ठीक है, जो कि अनैतिक था, लेकिन संविधान के द्वारा बाद में इसको सही तरीके से नैतिक बनाया गया और चीज़ों को ठीक किया गया, जो भी मानव के लिहाज से जो चीज़ें गलत हैं उनको सही की गई, ठीक है। अब अगला पॉइंट्स का था, हम लोगों ने पहले संविधान देख लिया, संविधान के द्वारा किस तरीके से नीति शास्त्र को निर्धारित किया जाता है। अगला पॉइंट्स कौन था, ईश्वर और धर्म। अब देखिए ईश्वर और धर्म जो आदर्श एवं नैतिक मानदंड की बात करते हैं,
ठीक है, और बताते हैं कि किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए, वो चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, रामायण गीता, इन सब में यही बात कही गई है कि नैतिकता की बातें कही गई हैं, कर्मवाद की बातें कही गई हैं, कि हमें अपने कार्य को नैतिक रूप से जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसको अच्छी तरीके से निभाना चाहिए और जो किसी के साथ कुछ गलत ना कर सके, ठीक है, हमें दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे जो धर्म हैं और ईश्वर है उनमें एक आदर्श एवं नैतिक मानदंड की बात कही गई है, ठीक है। एक मानव अंतःकरण की आवाज़ होती है या स्वयं का विवेक होता है, ठीक है। अंतःकरण का आवाज़ का मतलब हो गया कि अंतरात्मा की आवाज़, ठीक है, अंतरात्मा की आवाज़। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस समय आप कहीं से भी निकल रहे होते हैं और एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा रहता है, कोई किसी व्यक्ति की मतलब एक्सीडेंट हो चुका है और वो सड़क पर लेटा हुआ है और आप वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो उस समय एक अंदर से इच्छा आती है या अंदर से एक मन बनता है कि चलो यार इसको ऐसा करते हैं, हॉस्पिटल तक छोड़ देते हैं, इसको उठा के कहीं हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अंतःकरण की आवाज़ को दबा देते हैं और जो बाहर का परिवेश है, जो चीज़ें हैं, उनके डर में हम वो चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि नैतिकता यही कहती है कि क्या अच्छी चीज़ आपने करी है, क्या बुरी चीज़ करी गई है, ठीक है। क्या अच्छा है तो अच्छा यही होता कि आपको उस व्यक्ति को वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा या बुरा हम किस तरीके से जान सकते हैं, एक नैतिक ज्ञान के सहारे ही जान सकते हैं, ठीक है। एक नैतिक ज्ञान के ही सहारे हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं या डिसाइड करते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा है या यह मनुष्य बुरा है, ठीक है। संस्कृति के द्वारा किस तरीके से निर्धारित होते हैं नीति शास्त्र, तो जैसे मान लिया आप जो हमारी धर्म, जो हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति चलती चली आ रही है, तो यहाँ पर हमारे देश में लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। और लोग आज भी उन्हीं मूल्यों पर, जो भी संस्कृति है उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते आ रहे हैं। साहित्य ग्रंथों में जो जो चीज़ें भी कही गई हैं तो उनको लोग आज की डेट में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। समाज के द्वारा, समाज के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें कही, समाज में बहुत से लोग नैतिक मानदंडों को स्वीकार भी करते हैं लेकिन कुछ लोग स्वीकार नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें, जैसे नीति शास्त्र में दो ही चीज़ें मतलब ये समाज के द्वारा या कौन कौन सी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं, या तो अच्छी की जाएंगी या तो बुरी की जाएंगी। बुरे वाले को अनैतिक कहा जाता है, अच्छे सॉरी हाँ बुरे वाले को अनैतिक कहा जाता है और अच्छे वाले को नैतिक कहा जाता है, और नैतिक जो है आपका नीति शास्त्र का भाग है। अब अगली चीज़ क्या देखनी है कि परिवार से कौन कौन सी चीज़ें नीति शास्त्र के निर्धारक होती हैं, तो कुछ मूल्य या रूल्स हमें घर से भी मिलते हैं, अपने परिवार से भी, पिता से भी मिलते हैं, कि बच्चों को बताया भी जाता है कि आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। शिक्षक के द्वारा क्या होता है, शिक्षक के द्वारा अच्छे गुणों का विकास किया जाता है, ठीक है। और जीवन के अनुभवों से हम लोग नीति शास्त्र की चीज़ों को सीखते हैं, निर्धारक ये होते हैं। तो इसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जीवन के अनुभव किस टाइप के होते हैं, कि आपसे किसी की लड़ाई हो जाती है, ठीक है, किसी भी आधार पर हो, आपने लड़ने झगड़ने लगे तो आपको वहाँ क्या करना चाहिए था, नैतिकता यही थी कि आपको बात करके शांति से आपको वहाँ से हट जाना चाहिए था, तो आपने क्या किया, या कोई कार्य ऐसा किया जिसकी वजह से आपके साथ बुरा हुआ, या आपने किसी के साथ बुरा किया, तो वह क्या है, जीवन का आपने अनैतिक गुण निर्धारित किया, ठीक है। अच्छे गुण आप अच्छे कार्यों से ही सीखते हैं या करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। नेतृत्व, नेतृत्व को देख लेते हैं कि यह नेतृत्व को किस तरीके से नीति शास्त्र, जो नेतृत्व के द्वारा हम किस तरीके से नीति शास्त्र को निर्धारित करते हैं, तो नेतृत्व का निर्धारण में भी यह सहायता करते हैं, ठीक है। नीति शास्त्र जो होते हैं वो आपके नीति शास्त्र के निर्धारण को, नेतृत्व भी आपका आता है, ठीक है। अब नेतृत्व में किस तरीके से, कि आप नेतृत्व अच्छा दे रहे हैं, आप हिटलर के जैसा तो नेतृत्व नहीं दे रहे हैं,
जो अनैतिक बातों को आप प्रचार कर रहे हैं, या आप किसी अच्छे विद्वान या विचारक के रूप में तो कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे आप एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आपका नेतृत्व कैसा है यही बहुत ही ज़्यादा निर्धारित करता है। जैसे मान लिया आप सिविल सेवा संगठन के जो मुख्य अधिकारी हैं, आप सचिव बन गए वहाँ के, तो आप क्या हैं, बहुत सारे लोगों को नेतृत्व प्रदान करेंगे। अब अगर आप अच्छा नेतृत्व प्रदान करते हैं तो वहाँ के लोगों में नीति शास्त्र के गुण आएंगे, और अगर नहीं होगा तो नहीं आएंगे। और अगला पॉइंट कौन सा है आज, ये है मतलब सॉरी, दर्शन और दार्शनिक मान्यताएं। अब जैसे बहुत से दार्शनिक हैं, ठीक है, तो उनकी जो नीति शास्त्र की परिभाषा है वो बहुत बहुत अलग अलग है। तो दार्शनिक मान्यताएं भी हमारा जो नीति शास्त्र है उसके निर्धारक माने जाते हैं, ठीक है। और यह चैप्टर है दोस्तों इथिक्स का, ठीक है, इथिक्स का चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो हम लोग इसको दो पार्ट में या तीन पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो के फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है PDF है, और PDF के लिए आप लोग जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।